नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNB TV न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। एक सप्ताह तक चले न्यायोत्सव के समापन के अवसर पर जहां एक और मैराथन दौड़ आयोजित की गई, वहीं जिला न्यायालय परिसर में विधिक सेवा प्राधिकरण के बिल्डिंग में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में वह कानून से संबंधित सभी पुस्तकें रखी हुई थी जो आम जनमानस की जानकारी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। प्रदर्शनी को थोड़ी इसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर कुछ रियल लगाए गए थे, अधिकारी भी थे और ये सभी लोगों ने जानकारी दी। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में हमने विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी रजनीश चौरसिया से चर्चा। सर, न्याय उत्सव मनाया गया, एक सप्ताह तक विविध प्रकार के आयोजन हुए, किस प्रकार के आयोजन हुए? विधिक सेवा दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर एक सप्ताह तक दिनांक 4 से 9 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें दिनांक 4 को बाइक रैली एवं जेल में बंदियों को उनके अधिकार और उनके प्रकरणों की अद्यतन जानकारी के संबंध में अवगत कराया गया। 5 तारीख को स्कूल में, विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी प्रकार श्रमिकों के अधिकार विषय पर बीड़ी कॉलोनी में और ग्राम स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और उनमें श्रमिकों के अधिकार के संबंध में जानकारी दी गई। आज मैराथन दौड़ घंटाघर से चलकर तहसील ग्राउंड पर आई और वहाँ पर उसका समापन हुआ। उसके पश्चात ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को उनके अधिकारों के विषय में जानकारी हो, उनको विधिक सेवा योजनाओं के विषय में जानकारी हो और इस प्रकार ये माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय श्री आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में ये पूरे सप्ताह भर के कार्यक्रम चले गए। सभी लोगों का सहयोग था, चाहे वो छात्र हों, चाहे NGO हों, चाहे विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी हों, पैरालीगल वॉलेंटियर्स हैं, हमारे LADCS सिस्टम से जुड़े हुए अधिवक्ता हैं, हमारे पैनल अधिवक्ता है और यह इस कार्यक्रम आज ये इस प्रदर्शनी के माध्यम से के कार्यक्रम से आज समाप्त होगा।